सिंहवासा तालाब में एक बार फिर प्रशासन ने जान फूंकने की तैयारियां कर ली है। तालाब की रिसोर्सिंग के लिए कलेक्टर भास्कर लक्षाकार की अगुवाई में समाज सेवियों की एक कमेटी बनाई गई है। प्रशासन इस तालाब को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है। इस तालाब के गहरीकरण के लिए 15 दिन का एक्शन प्लान भी बनाया गया है, जिसके तहत कमेटी अपने स्तर पर श्रमदान कराकर जल संरक्षण की कवायद को प्रारंभ करेगी। कलेक्टर भास्कर लक्षाकार की इस कमेटी में शामिल नहीं है। कमेटी में समाज सेवियों को शामिल किया गया है, जिनके जरिए सिंहवासा तालाब को रमणीय स्थल बनाने की योजना पर काम जल्द शुरू किया जा रहा है। हालांकि पहले तालाबों के संरक्षण की दिशा में कई दफा इस तरह की मुहिम चलाई गई है, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला। सिंहवासा तालाब का इससे पहले भी गहरीकरण हो चुका है। इस बार ये भागीरथी प्रयास कितना सार्थक साबित होगा, ये देखने लायक और दिलचस्प होगा। बिल्कुल भी ये कैश लेना ही नहीं है, ठीक है। सो पैसा लेने वाली बात आई थी नहीं, जो आप बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप एक दिन का मशीन स्पॉन्सर कर रहे हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपको किसी कमेटी को पैसा देने का पॉइंट ही नहीं है कि किसी को आप संजय श्रीवास्तव को या भास्कर लक्षाकार को आपने पैसा दिया 10,000 रुपए के साथ, ये आपका आज का होने दे नहीं। आप सीधा ही आप एक मशीन स्पॉन्सर कर रहे हैं, एक मशीन का एक दिन डोनेट कर रहे हैं, बस इतना भर है। जल संरक्षण के लिए गुना शहर के लोगों के द्वारा यह मुहिम चलाई जा रही है, शुरू करी जा रही है। मेरा काम सिर्फ इसमें कोऑर्डिनेशन सीमित है, और इसमें नगर के अलग अलग संस्थाओं के द्वारा हम ये आह्वान कर रहे हैं कि वो अपना एक दिन का श्रमदान सिंहवासा तालाब के गहरीकरण के लिए करें। इस तालाब के लिए हमने प्रस्ताव टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को ही भेजा है कि इसको एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप करें, ताकि वहाँ पर उसका निरंतर मैनेजमेंट और देखभाल अच्छे तरीके से हो सके। जिला अपने को जिला लगाओ दस बजे से देख इसमें क्या नए रिसोर्स अपन जनरेट करेंगे, रिचार्ज कैसे करेंगे। जिले ये जल की जो समस्या है सिर्फ जिले की समस्या नहीं है, बाकी सब जगह की समस्या भी है। इसका एक ही तरीका है, जितना ज़्यादा हम जल संरक्षण और इन पुरानी संरचनाओं को हम बचा करके और इनको मेंटेनेंस कर सकेंगे, शहर की जल समस्या विशेष करके उन सबसे दूर हो सकेगी। पहले भी सिंहवासा से वाटर सप्लाई भी होती थी, अभी सिंहवासा तालाब का जो